यास्मीन। बॉलीवुड के गलियारों में काफी टाइम से ये खबर सुर्खियां बटोर रही है कि भंसाली अपनी अगली फिल्म के लिए सलमान को कास्ट करना चाहते हैं। इस फिल्म का नाम इंशाल्लाह बताया जा रहा है। हाल ही में बताया गया था कि इस फिल्म के लिए सलमान और दीपिका की जोड़ी पहली बार साथ नजर आएगी, लेकिन लगता है इन दोनों की जोड़ी को देखने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान की इंशाल्लाह को टाल दिया गया है। ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान की पिछले कुछ फिल्में ईद पर खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं। पिछले साल आई ट्यूबलाइट का बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरा हाल रहा था, वहीं इस साल ईद पर रिलीज हुई रेस 3 ने भी सबको निराश किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भंसाली कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बता दें कि भंसाली जो भी फिल्म बनाते हैं उसका बजट 100 करोड़ से ज्यादा ही होता है, और अगर सलमान की इंशाल्लाह भी फ्लॉप हो गई तो भंसाली को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भंसाली टाइगर को लेकर कोई नई फिल्म बना रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। खैर अब जो भी हो, हम तो यही कहेंगे कि सलमान की फिल्म इंशाल्लाह के टलने की वजह से फैंस को जोर का झटका लगने वाला है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।